फ्रेंड्स, माई सेल्फ पुष्कर आनंद। दोस्तों, मेरा नाम पुष्कर आनंद है। आज आप लोगों को एक यूनिक वीडियो लेके चलूँगा उसके अंदर, जिसका नाम रखा है टीनेज इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है बेसिकली एक टीनेजर्स के लिए बनाया गया है, और टीनेजर्स वो लोग हैं जो कि 18 साल जस्ट कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन कानून के हिसाब से आप सभी का उम्र तकरीबन 18 साल होना चाहिए मिनिमम टू ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन योर ओन नेम, और फिर वहाँ पर आप उसमें पैसा डाल सकते हो, सेव कर सकते हो या फिर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पहला थंब रूल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, आपको अपने नाम पे अगर अकाउंट खोलना है स्पेशली फॉर टीनेजर्स, तो सबसे पहले आपका 18 साल होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़, एक थंब रूल अब मैं डिस्कस करूँगा क्या क्या होना चाहिए। बेसिकली 6-7 पॉइंट में मैं डिस्कस करूँगा टीनेज इन्वेस्टमेंट्स। काफ़ी तरीके से टीनेजर्स जो बहुत यंग हैं उनके अंदर भी काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है कि मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ पे कितने अर्ली रिटर्न और कितना अलग जल्दी रिटर्न करते हैं तो कितना एडवांटेज है। तो पहला चीज़, सबसे पहला क्या करना चाहिए, तो इसको कहते हैं यू शुड गेट ऑनबोर्डेड फर्स्ट। मतलब आपको सबसे पहले ऑनबोर्ड होना पड़ेगा। ऑनबोर्ड मतलब आपका डायरेक्टली तो बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कुछ KYC के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं नो यूज कस्टमर्स। तो KYC के अंदर जो फर्स्ट पार्ट आता है वो होता है आधार और दूसरा होता है पैन। सो आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों होना चाहिए। अगर दोनों हैं तो नहीं है तो आप सबसे पहले पैन कार्ड बनवा लीजिए। पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको मामूली सा 110 या 115 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जो कि किसी भी लोकल सेंटर से या साइबर कैफ़े से आप बनवा सकते हैं। तो जैसे ही आपका पैन कार्ड बन जाता है उस बेसिस पे आप आधार कार्ड भी बनवा सकते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको आधार कार्ड बहुत पहले मिल जाता है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलमोस्ट मैंडेटरी कर रखा था, तो उसकी वजह से आपका आधार हो गया और पैन हो गया। तो आधार और पैन की वजह से क्या हो गया, आपका एक आईडी प्रूफ हो गया और एक एड्रेस प्रूफ हो गया। तो आईडी प्रूफ का काम आधार करता है और एड्रेस प्रूफ का काम पैन कार्ड करता है। सॉरी, आईडी प्रूफ का काम आधार भी करता है पैन भी करता है, बट एड्रेस प्रूफ का काम केवल आधार करता है। सो आपका आधार और पैन कार्ड दोनों बन गया। उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जब आपका आधार और पैन कार्ड रेडी है तो आपका सबसे पहला स्टेप थंब रूल जो कहता है कि आपको अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोलना चाहिए। तो जो कि अपना पॉइंट नंबर सेकंड है कि आपको अपने नाम पे एक बैंक अकाउंट खोलना है। और ये बैंक अकाउंट खोल के क्या करेंगे, जो भी आपकी सेविंग है, जो भी आपकी जमा पूंजी है, आप उसको किसी दूसरे के अकाउंट में ना डाल के अपने अकाउंट में डालिए। जब आप इसको अपने अकाउंट में डालते हैं तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा होता है इसमें। दोस्तों, दूसरी चीज जो कि बैंक अकाउंट नंबर से लिंक्ड है वो है कि आपका जैसे ही बैंक अकाउंट होता है तो आपको एक ATM कार्ड बोलते हैं और एक चेकबुक बोलते हैं। तो ATM कार्ड और चेकबुक आपको आपके नाम पे मिल जाता है, उसके थ्रू आप मनी का ट्रांजैक्शन ऑफलाइन भी कर सकते हैं। मतलब आपको कैश पेमेंट चाहिए हो तो आप ATM कार्ड यूज करके कहीं से भी पैसा निकाल के किसी को भी दे सकते हैं। तीसरी चीज़, अब ये जो टीनेजर्स हैं जो कि जस्ट अभी 18 साल के हुए हैं, उनको और क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक टीनेजर्स को इमीडिएटली आज के टाइम एक बेसिक डीमेट अकाउंट जरूर खोलना चाहिए। अब बेसिक डीमेट अकाउंट का क्या होता है, जिसको कहते हैं बेसिक डीमेट अकाउंट में फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल रखने की ज़रूरत नहीं होती है और आपका एक डीमेट अकाउंट खुल जाता है। साल में अगर आपका बेसिक टर्नओवर अकाउंट में 50,000 का है तो, और एक ही डीमेट अकाउंट है, तो आपको डीमेट अकाउंट का कोई चार्ज भी नहीं पे करना पड़ता है। तो उसको कहते हैं बेसिक डीमेट अकाउंट आपको खुलवा लेना चाहिए। कोई भी ब्रोकर आपका बेसिक डीमेट अकाउंट आज के टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट भी खोल देता है, क्योंकि ये सेबी का गाइडलाइन है कि आपको 50,000 से ज़्यादा का आप ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो एक साल में, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो अपने अकाउंट में, तो आप बेसिक डीमेट अकाउंट खुलवा के। ये खुलवाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों डीमैट अकाउंट एक ऐसी चीज़ होती है विच इज़ लाइक अ वेपन। ये आपको एक वेपन की तरह काम आती है जिसके थ्रू आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब मार्केट क्या हो गया, मार्केट मतलब दोस्तों इक्विटी मार्केट। आज के टाइम इक्विटी मार्केट को हम लोग शेयर मार्केट भी कहते हैं। तो आपको जब भी मार्केट में पैसा डालना है तो आपको डीमैट अकाउंट के थ्रू ही डालना होगा, क्योंकि डीमैट अकाउंट आपको जो भी आप शेयर्स परचेज करेंगे, ट्रांजेक्शन करिएगा, उसके थ्रू आपका जो भी शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर रहेगा।
और जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो आपको शेयर सेल और परचेज करने में हेल्प करेगा। तो आज के टाइम आप जहाँ पे भी डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं वहाँ ऑप्शन होता है, एक साथ दो अकाउंट खुलते हैं, डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें आपका फायदा ये है कि आपका डीमैट में आपका शेयर पड़ा रहता है और ट्रेडिंग में आप ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों चौथी चीज़ क्या है जो आज के टाइम एक हर यूथ को, जो कि 18 साल का कंप्लीट हो रहा है, जिसने एक बैंक अकाउंट खुलवा लिया, एटलीस्ट खुद के पैसे से ना भी हो तो एटलीस्ट पेरेंट्स से लिए गए थोड़े बहुत पॉकेट खर्च को सेव करें और उस पैसे को इन्वेस्ट करें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में। अब दोस्तों ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है जिसमें आप मिनिमम 100 रुपीज़ पर मंथ से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों 100 रुपीज़ आज के टाइम कुछ भी नहीं होता है। अगर 100 रुपीज़ की बताऊँ तो बहुत ही कम अमाउंट होता है, और बट उसके थ्रू आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको अर्ली एज एडवांटेज मिलता है। आप सभी को पता होगा जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं उतना बड़ा आपका कॉर्पस बनने की चांसेस हैं फ्यूचर में। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, बहुत छोटी सी उम्र में। उसके लिए बस आपका एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है और एक चेक जो कि आपके बैंक अकाउंट के साथ मिल ही जाएगा। आपको कहीं से भी डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आपको डीमैट अकाउंट से भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की आज के टाइम बहुत सारी कंपनियां फैसिलिटी दे रही हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई अलग से प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम लोग आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। दोस्तों जो पांचवी चीज़ है वो ये है कि आप इमीडिएटली एक अपना PPF अकाउंट भी खुलवाइए। क्योंकि दोस्तों PPF अकाउंट क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जिसके लिए मात्र आपको साल के 500 रुपये डालने होते हैं। 500 रुपये डालते रहने से हर साल आपका PPF अकाउंट एक बंद नहीं होता, दूसरा आपकी एक सेविंग की हैबिट पड़ती है। तो इसमें क्या है, एक तो PPF में डाला हुआ कोई भी पैसा टैक्स फ्री होता है, दूसरा PPF में डालने के बाद हमें एक रेगुलर तरीके से सेविंग की हैबिट पड़ती है, ताकि जब भी हमें कोई चीज़ अगर बड़े फंड की रिक्वायरमेंट हो फ्यूचर में तो हम PPF अकाउंट का यूज़ करके उस फंड को डिप्लॉय कर पाए। तो दोस्तों ये जो पॉइंट था PPF अकाउंट का बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आपको दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपका इन्वेस्टमेंट तो हो गया बट आपको एक अपनी सेफ्टी के लिए, इसको बोलते हैं इंश्योरेंस, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक इंश्योरेंस लीजिए जिसका नाम होता है टर्म इंश्योरेंस। अब ये टर्म इंश्योरेंस का नाम ही बहुत अच्छा पड़ा है। टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए आपका मिनिमम एज 18 होना चाहिए, और 18 साल में टर्म इंश्योरेंस लेने का ये फ़ायदा है कि फ्यूचर में अगर मेरी अनकंडीशनल डेथ हो जाती है या मेरा किसी तरह से एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है ड्यू टू एनी अनसर्टेनिटी, तो मेरे फैमिली को या फिर मेरे नॉमिनी को उतना पैसा जितने का टर्म इंश्योरेंस हो वो मिल जाता है। तो इसके कई सारे फ़ायदे हैं। तो इसलिए आज के टाइम एक टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू डायरेक्ट कंपनी की पोर्टल पे भी जाके आपको टर्म इंश्योरेंस साल के कुछ 700-800 रुपये डाल के आज के टाइम इजीली मिल रहे हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि टर्म इंश्योरेंस में अपना पैसा टर्म इंश्योरेंस के थ्रू लगाइए और अपने आप को एक सेफ्टी नेट भी प्रोवाइड कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत बड़ा टर्म इंश्योरेंस लीजिए बट लेना ज़रूरी है। तो ये दोस्तों छठा पॉइंट था कि टर्म इंश्योरेंस शुड बी इंक्लूडेड इन योर पोर्टफोलियो। अब दोस्तों जो सातवां पॉइंट है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है पर्सनली, आप सभी टीनेजर्स से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग आज से ही सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो खुद पे इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि खुद पे इन्वेस्ट किया हुआ, खुद की नॉलेज पे इन्वेस्ट किया हुआ, खुद के प्रोडक्ट नॉलेज पे इन्वेस्ट किया हुआ जो भी पैसा है या जो भी टाइम है वो हमेशा कंपाउंडेड रिजल्ट देता है। तो दोस्तों ये सातवां पॉइंट था। मुझे लगता है अगर आप मुझसे पूछिएगा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एक टीनेजर के लिए है वो है खुद पे इन्वेस्ट कीजिए। और दोस्तों 18 साल के बाद आप एक तरीके से मैच्योर बनने की कगार पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, अमाउंट पे मत जाइए बट लर्न करने की हमेशा कोशिश कीजिए। बिकॉज मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, लर्निंग इज अर्निंग एंड शेयरिंग इज केयरिंग। तो इसी प्रभाव के साथ आपको जो सातवां पॉइंट बताया बहुत ही क्लियर है, अपने ऊपर हमेशा इन्वेस्ट कीजिए। जिस दिन आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना छोड़ दिया तो फिर इन्वेस्टमेंट के बाकी मोड्स का कुछ ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये 7 पॉइंट्स मैं अपने स्पेशली टीनेजर्स फ्रेंड्स के लिए बताया, जो कि फॉलो करके इस वीडियो के माध्यम से आज से ही अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट के रास्ते पे लेके जा सकते हैं। होपफुली दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की इस वीडियो में हर पॉइंट्स कवर करने की,
आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा बेल आइकन दबाना मत भूलिए. सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच.